बहुत मेहनत की थी ना, देवा के पैसों का, देवा की प्रॉपर्टी का, इन सब का पता लगाने में। मैंने भी बहुत की, आप पे और मामा जी, और हाँ उन लोगों पर भी जिनसे आप लोगों ने अच्छा खासा लोन लिया, उन्हीं को लौटाना है ना। तो अब आप एक बात तो कान खोल के सुन लीजिए नानी, कि अब आपकी कोई भी चालबाजी काम नहीं करेगी। देख लिया ना कितना कुछ है मेरे पास आपका पर्दा फाश करने के लिए। अरे तू तो जैसी झूठी का विश्वास कौन करेगा? वो मेरा देवा है नानी माँ, मुझ पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा? और बताऊंगी मैं कि कैसे जबरदस्ती आपने वचन लेकर मुझे इस घर से जाने पर मजबूर की। हमारा एक राज तेरे पास है और तेरा एक राज हमारे पास, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन इतना याद रखना कि खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। देवा की रगों में हमारे परिवार का खून है और देखते हैं कैसे कैसे हमें कोई अपने ही नाती से कुछ लेने से रोकता है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, इसके अंदर देवा ने अगर तुझे खुद धक्के मार के इस घर से नहीं निकाला तो हमारा नाम भी सावित्री नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड नानी हो। ठीक है, आप कीजिए अपनी कोशिश, मैं अपनी करती हूं। मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरे ही नजरों के सामने आप मेरे देवा को धोखे में रखते हैं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मेरा भी नाम तारा नहीं।